प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ सोनिया सरूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक नई स्वाति का पाठ 15, जिसका नाम है सिंधबाद। बच्चों, सिंधबाद एक बहुत साहसी और मेहनती आदमी था। इसी सिंधबाद की एक समुद्री यात्रा का वर्णन मैं आज आपके साथ करने जा रही हूँ। बच्चों, सिंधबाद को समुद्री यात्रा करने का बहुत शौक था। उसने अपनी इन्हीं समुद्री यात्रा से बहुत पैसा कमाया था। आज एक ऐसी ही समुद्री यात्रा के बारे में मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार सिंधबाद अपने दोस्तों के साथ अपने जहाज में माल भरकर निकल पड़ा। जहाज में आगे दूर तक पहुंचते हुए, बंदरगाह को पार करते हुए वो एक टापू पर जा पहुंचे। टापू पर अपने जहाज का लंगर बांधकर वो वहीं रुक गए। टापू पर उन्होंने देखा कि टापू पर बहुत ही हरियाली है। वहां बहुत सारे सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। सिंधबाद को भूख लगी थी, उसने वहां से कुछ फल तोड़कर खाए और कुछ देर के लिए वहीं लेट गया, आराम करने लगा। आराम करते हुए उसकी नींद इतनी गहरी हो गई कि उसे समय का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि जो दोस्त उसके साथ आए थे अब वो वहां नहीं थे। सब लोग टापू से वापस जा चुके थे। और उसे हैरानी और भी ज्यादा तब हुई जब उसने देखा कि उसका जहाज भी वहां पर नहीं है। उसके दोस्त वो जहाज लेकर टापू से चले गए। लेकिन बच्चों, सिंधबाद निराश नहीं हुआ, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक उपाय सोचा। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और दूर तक उसने अपनी नजर घुमाई। दूर तक नजर घुमाने के बाद उसे एक सफेद गुंबद जैसी कोई चीज दिखाई दी। वह गुंबद के पास पहुंचा, उस गुंबद का दरवाजा ढूंढने लगा कि इसके अंदर कैसे जाया जाए। लेकिन सिंधबाद को उसके अंदर जाने का दरवाजा नहीं मिला। अब सिंधबाद ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह उस पर चढ़ भी नहीं पाया क्योंकि वह जो गुंबद था वो बहुत चिकना था। लेकिन सिंधबाद ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसे लगा कि इसका और उपाय मिल सकता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे क्या देखा? उसने देखा कि एक विशालकाय पक्षी, रॉक पक्षी, एक गरुड़ जैसा पक्षी, विशालकाय मतलब जिसका बहुत बड़ा शरीर है, ऐसा एक पक्षी आया और उड़कर वो गुंबद के ऊपर बैठ गया। अब सिंधबाद को सारी बात समझ में आ गई कि ये कोई गुंबद नहीं था, ये उस पक्षी का अंडा था। अब सिंधबाद को बाहर निकलने का एक उपाय मिल गया। उसने क्या किया? अपना जो उसे सिर पर पगड़ी बांधी हुई थी उसका कपड़ा खोला और उसको पक्षी के पंजों में बांध दिया। जैसे ही पक्षी उड़ा और उसके साथ सिंधबाद भी उड़ गया, पक्षी दूर जाकर एक घाटी में चला गया। घाटी हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। वहां पर बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे। अब उस घाटी में अजगर भी थे, सांप भी थे, शायद जो गरुड़ था, जो रॉक पक्षी था, विशालकाय शरीर वाला पक्षी था, वो अजगर खाने के लिए ही वहां गया था। तो सिंधबाद ने अपने पंजों से अपना वो जो कपड़ा बांधा था उसने वो छुड़ाया और एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर उसने दूर एक चट्टान देखी। उस चट्टान पर पहुंचा, उस चट्टान पर एक गुफा थी। उस गुफा में सिंधबाद छिपकर बैठ गया। उसने रात वहीं पे गुजारी, लेकिन पूरी रात वहां बैठने के बाद वह भूख और प्यास से बहुत बेचैन हो गया था। जैसे ही सुबह हुई, घाटी से बाहर, चट्टान से बाहर निकला, गुफा से बाहर निकला और उसने क्या देखा कि उसके आसपास, घाटी के आसपास बहुत सारे हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं। वो बहुत हैरान हो गया। उस हीरो के साथ साथ उसे कुछ मांस के टुकड़े भी दिखाई दिए। मांस के टुकड़ों को देखकर सिंधबाद को यह समझ में आ गया कि ये मांस के टुकड़े शायद इन व्यापारियों ने फेंके होंगे। किस लिए फेंके होंगे? ताकि उस मांस के टुकड़ों के साथ जो हीरे जवाहरात है वो भी चिपक कर आ जाए, चिपक जाए और जैसे ही पक्षी उड़ेगा, विशालकाय पक्षी गरुड़ उड़ेगा और वो अपने साथ मांस के टुकड़ों के साथ इसे भी उड़ा कर ले जाएगा। तो क्या किया सिंधबाद ने? वो जो मांस के टुकड़े थे वो अपने शरीर पर लपेट लिए और चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। विशालकाय पक्षी वहां आया और उसने वो
जो मांस का टुकड़ा वो जो थे जिसमें हीरे जवाहरात भी चिपके हुए थे वो सब अपने पंजों में लटकाए और उड़ चला और जाकर एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ गया। वहां कुछ व्यापारी थे, उन्होंने उन व्यापारियों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। किस पर? पक्षी पर, विशालकाय पक्षी को पत्थर मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही पत्थर मारे वो विशालकाय पक्षी उड़ गया। जब मांस के टुकड़े उन व्यापारियों ने देखे तो वो समझ गए, जब उसमें से सिंधबाद निकलकर बाहर आया तो व्यापारियों को समझ में आ गया कि ये तो सिंधबाद है और वो लोग बहुत खुश हुए कि ये वापस आ गया। सिंधबाद ने अपनी ये कहानी, अपनी पूरी आपबीती क्या होती है बच्चों, जो अपने ऊपर बीती हुई है, ये सारी घटना, सारी की सारी आपबीती उन व्यापारियों को सुनाई और वे सब बहुत खुश हो गए। सिंधबाद की भी खुशी का ठिकाना न रहा। तो बच्चों ये थी सिंधबाद की एक समुद्री यात्रा जिसका वर्णन मैंने आपको किया है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ में दिए गए कठिन शब्द आप लिख लिख कर देखेंगे, उनका बार बार अभ्यास करेंगे, पाठ में आए हुए शब्द इनका भी बार बार पढ़कर अभ्यास करेंगे, लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी सिंधबाद। आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा भी मिली होगी। क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें, कि हमें कैसे भी स्थिति आ जाए, चाहे विपरीत स्थिति आ जाए, कैसे ही परेशानियां आ जाए, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनका उपाय सोचना चाहिए, जैसा कि सिंधबाद ने सोचा। और जब आप उपाय सोचते हैं तो उसका हल अवश्य ही निकल आता है। अगर हम परेशानी से, मुसीबत से डरकर पहले ही बैठ जाएंगे तो हम किसी चीज का समाधान नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसे सिंधबाद ने नहीं हारी, है ना। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ से संबंधित कार्य पत्रिका और प्रक्षेपण पत्र आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।